हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन वेलकम टू विद्या दिस स्कूल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिव एंड आई एम ए केमिस्ट्री टीचर, बट स्टिल आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर द जेई एडवांस T2020। क्लियर है? ओके, आफ्टर द वॉचिंग ऑफ कंप्लीट वीडियो देन यू गेट डेफिनेटली अ गोल अबाउट हाउ टू क्रैक द T20 जेई एडवांस। और इस बात की अपन बात कर सकते हैं कि किस टाइप से अपन प्लानिंग करें, क्या अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जेई एडवांस को लेके। जस्ट बच्चों, अभी आप जेई मेंस का पेपर दे के आए हो, काफ़ी बच्चों से बात हुई, जनवरी अटेम्प्ट से काफ़ी अच्छा हुआ, इस बात के लिए आपको बच्चों बहुत बहुत बधाई हो। क्लियर है? ओके, वन बाई वन अपन डिस्कशन करते हैं कि जनरली जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि भाई क्या करें हम 27 सितंबर को जो जेई एडवांस का अपना पेपर होने वाला है, और आज से अगर अपन बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि 19 डेज अपने पास अभी है। तो उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट हो, अदरवाइज तो क्या हो सकता है, अपन मान लो गलत रास्ते पे चले गए तो डेफिनेटली आपको गोल नहीं मिलेगा, या फिर मान लो आप कुछ अलग ही पढ़ रहे हो जो काम का नहीं है तो फिर वो अपने काम का नहीं है। क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे, तो सबसे पहला आपका काम ये है कि चेक द सिलेबस फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डाउनलोड करो, मुझसे ले लो केमिस्ट्री का, कहीं से भी अवेलेबिलिटी जो भी आपकी सोर्स हो, आप उसका सिलेबस चेक करो, क्योंकि अभी आप जेई मेंस का दे के आए हो तो जेई मेंस का बच्चों सिलेबस ज़्यादा है, जेई एडवांस का सिलेबस कम होता है। क्लियर है? जैसे कि मान लो केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो एज ए केमिस्ट्री की बात करूँ मैं आपको, तो कुछ तो चैप्टर ऐसे हैं जो जेई एडवांस में है ही नहीं, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ नहीं है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, बायोमोलिक्यूल में बात करें तो ओनली अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट ही है ना। तो ऐसे अगर बात की जाए तो बच्चों बात कर सकते हैं अपन, तो बहुत सारा सिलेबस है जो कट कर दिया जाता है तो। लेकिन जो आपके पास सिलेबस होता है जेई एडवांस का, इवन वो बहुत कम होता है, ये बात सही है, बट उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ जाती है। अब बच्चों में ये क्वेश्चन आता है कि सर जेई मेंस का पेपर जो हमने दिया है उसके जैसा ही जेई एडवांस का आएगा गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। जेई मेंस का जो आपका इजी लेवल है वो डेफिनेटली, सॉरी, जो जेई मेंस का आपका टफ लेवल था वो जेई एडवांस में ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडरेट या इजी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये है सेकेंड थिंग, तो फर्स्ट थिंग तो अपन को क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक द सिलेबस। पहला अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, चेक द सिलेबस फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ये मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, आज ही की डेट में अपना सिलेबस चेक करो, क्या सिलेबस आएगा, उसके बाद में क्या करें, तो उसके बाद में ये काम करना, आप कोई भी चीज़ आप नहीं मत करना, डोंट डू एनीथिंग न्यू। आप कोई भी चीज़ नहीं मत करना, नहीं मत करना मतलब क्या है, नहीं मतलब तो ये है कि कई के बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक चैप्टर की बात कर ली कि जेई एडवांस में सर वो आ रहा है चैप्टर, मान लो वाट एवर कुछ भी, जैसे केमिस्ट्री का नाम लूँ तो कोई सर एक चैप्टर नाम ले लेते, कोई जैसे मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ले लिया कि सर इसको पढ़ने बैठ गया, तो बोलिए ऐसा नहीं करना अपन को। अगर आपने 2 साल के अंदर कोई चैप्टर नहीं आया या फिर आपका उसमें वीकेंड है, आप उसमें अगर अच्छे नहीं हो तो बच्चों उसको अवॉइड करो, छोड़ दो उसको, जाने दो, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर आपको कंप्लीट स्कोर नहीं करना होता, जेई मेन जितनी उसकी कट ऑफ नहीं रहती, उसकी कट ऑफ अराउंड 35-40% ही रहने वाली है। तो जेई एडवांस कभी बच्चों का एनालाइज ऐसे नहीं करती भी कितने क्वेश्चन करते हैं, जेई एडवांस बच्चों का एनालाइज इस टाइप से करेगी कि आप कितने परफेक्ट हो, आप किस टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। क्लियर है? तो जो चीज़ आपको नहीं आती छोड़ो उनको, भगाओ उनको। क्लियर है? अब अपन क्या करें भाई, चलो मान लो भगा दिया, अब जितना आपने आज तक पढ़ा है बच्चों 2 साल में, मैंने जितना आपको पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है, विद्या दिस की टीम ने जितना आपको पढ़ा है, वो एक जेई एडवांस के लिए सफिशियंट है। अब आपको उनको आप भी कैसे रिवाइज करो, हाउ टू रिवाइज इट, तो वो भी बड़ी बात है। कभी आप उनको सही चीज़ में डायरेक्शन में तो रिवाइज कर रहे हो ना, ऐसे उठपटांग चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हो ना, वो आपकी ही सिलेक्शन को बच्चों बताएगी। क्लियर है? अब अपन क्या करें भाई, तो मान लो ठीक है अपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे। आपको अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप थोड़ा सा एनालाइज करो कभी लास्ट ईयर के अंदर क्या हो रहे हैं। जेई एडवांस का पेपर बच्चों यूनिक होता है, जेई मेंस और नीट की तरह क्वेश्चन का रिपीटेशन कभी नहीं होगा, ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कभी आपने मान लो क्वेश्चन देखा सर सेम क्वेश्चन ये अब जेई एडवांस में फिर से आ गया, ऐसा नहीं होगा। बट एक अपन को अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगता है, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर बच्चों केवल एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी नहीं होती, उसमें मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन होंगे, उसमें सिंगल चॉइस भी होंगे, उसमें पैसेज भी होंगे, इंटीजर टाइप भी होंगे, मैच द कॉलम भी होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो उनको आपको अप्रोच करनी आनी चाहिए। क्लियर रही बात? तो आप क्या करो, जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें बच्चों 3 पोर्शन है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है,
एक अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सर उसमें मैं क्या पढ़ूँ ऐसा, IUPAC नॉमिनक्लेचर से आया ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एज एडवांस IUPAC नॉमिनक्लेचर। देन गो फॉर आइसोमेरिज्म, एंड आइसोमेरिज्म का कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। देन गो फॉर GOC। तो बच्चों GOC को दो बार आप नोट्स पढ़ने हैं। कितनी बार पढ़ने हैं नोट्स, तो बोलेंगे दो बार नोट्स पढ़ने। उसमें मान के चलना 3 to 4 क्वेश्चन उसी के अंदर से आ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो पूरी ऑर्गेनिक छुपी होती है। अगर वो नहीं आएगा अपने को तो आगे अपन प्रोसीड नहीं कर सकते। देन बाद में जब रिएक्शन मैकेनिज्म आती है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बच्चों अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जे एडवांस मैकेनिज्म पे ही काम करेगी। NCERT बेस कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। मैं मेंस के लिए तो फिर भी बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक में आप NCERT पर डालो, बट जे एडवांस में NCERT का कोई लेना देना नहीं है। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। क्लियर है? तो आपको क्या क्या पढ़ना है, GOC को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ना है, और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी क्या SN1 SN2 E1 E2 के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। देन गो फॉर एल्कोल फिनोल ईथर की तरफ अगर अपन जाएँ तो उसके अंदर कुछ फिनोल की रिएक्शनों को अपन को अच्छे से आना चाहिए। और सेकंड नंबर पे अगर इंपॉर्टेंट कंपाउंड मान लो अपन चैप्टर की बात करें आफ्टर GOC देन कार्बोनिल कंपाउंड को बच्चों प्रायोरिटी दी जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड में इसलिए दी जाती है कि उसमें जो रोड मैप क्वेश्चन है वो अच्छे बन सकते हैं। मींस व्हाट के ए से बी बना, बी से सी बना, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, बिकॉज वाई उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि मान लो एल्डोल है, कैनिजारो है, परकिन है, बेंजोइन है, ये चीज़ें आपको नोवल जेल है, मिसेल है, ये जितने भी रिएक्शनों के मैं नाम ले रहा हूँ ये आपको आनी चाहिए बच्चों। क्लियर है? इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने से पहले आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। देन बायोमोलिक्यूल के अंदर ओनली अमीनो एसिड, बट फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट्स को देते हैं, वो आपको कंप्लीट आना चाहिए रिएक्शंस के साथ। देन गो फॉर पॉलीमर। पॉलीमर के अंदर बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली NCERT को रीड कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फॉर जे एडवांस। देन अगर बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के अंदर बच्चों जो 12th के चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, उनके ऊपर ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बच्चों बाइंड अप होके ही क्वेश्चन आएगा, उसे आयनिक से ही कनेक्टिविटी मिलेगी, याद रखना इस बात को। तो आयनिक अगर आपको कंप्लीट नहीं आता तो उसके अंदर KSP क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट pH, छोटे मोटे फॉर्मूले, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको आनी चाहिए। उनकी कनेक्टिविटी अपन करेंगे किससे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और सॉलिड स्टेट के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है, कौन सा, डेंसिटी वाला, है ना। डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाई वो NA करके आता है ना, इस टाइप से इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई A³ करके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो क्वेश्चन बच्चों जे एडवांस में फिक्स कर रखा है, वो आता ही है। एक बच्चों ऑर्गेनिक में GOC में मैं आपको बता दूं कि वो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाला फंडा जो है ना, वो भी जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और फिजिकल में सर क्या करें, तो बोलेंगे सर 11th के चैप्टरों को हाथ ही नहीं लगाना है। या बिल्कुल बच्चों लगाना है, लेकिन आप उनके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि इनमें से क्वेश्चन आएगा कहाँ से। वो जैसे मोल कंसेप्ट है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, है ना। इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो कुछ भी पूछ सकता है अपने से। थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों ये बात है कि कुछ सालों से जो लॉज है उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, थर्मोडायनेमिक की अगर अपन बात करें तो। और गैसेस स्टेट के अंदर से भी क्वेश्चन सिंपल वान डर वाल्स से नहीं आ रहे, सिंपल PV को NRT से ही आ रहे हैं, बराबर है। ओके, 12th की बात होगी, अपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपने बात कर ली कि इतने ही जनरली होता है। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बच्चों के, सर इनऑर्गेनिक में क्या करना है मुझे, क्या करूँ मैं, जेडली कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं सर ये बुक ले आऊँगा, मैं ये बच्चों अब कोई बुक नहीं लानी है, कोई नया काम नहीं करना होता। क्योंकि एक बात सोचो तुम, जब भी कभी युद्ध होता है तो जो योद्धा होता है वो ऐसा थोड़ी है कि 5 दिन पहले मैं अगर सीख के आता हूँ थोड़ा सा, क्या है, मैं तलवार सीख के आता हूँ कैसे चलती है, मैं थोड़ा गधा चलाना सीख के आता हूँ, वो सीखता नहीं है, वो अपने हथियारों को साफ करता है। अब क्या 10 दिन रहे हैं ना, तो तलवार को बैठ के क्या है थोड़ी साफ़ कर लूँ ताकि नाड़ काटने में आसानी रहे। तो बस वही काम करना है बच्चों को, नया कुछ भी नहीं सीखना है, जो भी आपके पास नॉलेज है उसे बार बार ब्रशअप करते रहो। क्लियर है मेरी बात? तो इनऑर्गेनिक में कैसे ब्रशअप करें सर, इनऑर्गेनिक के बच्चों 3 ही चैप्टर है जो आपको ना जे एडवांस में सिलेक्शन के लिए बहुत है। तो बोले कौन से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को बच्चों चार्ट जाओ अच्छे से, उसके आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन पक्का है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इवन लास्ट से लास्ट ईयर तो बच्चों 4 क्वेश्चन आ गए थे, इवन 60 नंबर के बहुत होते हैं दोनों पेपरों में मिला के, 4 नहीं तो अपने 2 भी आ गए तो भी काम चलेगा, किससे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। देन गो फॉर केमिकल बॉन्डिंग, कौन सा केमिकल बॉन्डिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NCERT, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर नोट्स, वो जो अपने नोट्स लिखे हैं उसके बारे में बच्चों मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर आपको हाइड्रोलिसिस आने चाहिए, हैलाइड्स का कैसे हाइड्रोलिसिस होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज के रूल्स आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग आएगा, थर्ड
थर्ड नंबर पे पीरियोडिक टेबल, देन फोर्थ नंबर पे ये एनसीईआरटी से नहीं पढ़ने, अपने नोट से पढ़ लो बहुत है। एक चैप्टर बच्चों जेई एडवांस में दैट वन इज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस अपन डिस्कशन नहीं करते, उसमें एनायन और कैटायन रेडिकल्स के टेस्ट होते हैं, तो वो अगर ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, उसका एक कॉम्प्रेशन आने वाला है, फिक्स है, वो आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्लियर है, क्योंकि अपन को कोई आउट ऑफ हाउस नंबर नहीं लाने। तो ये अपने क्या बात की है, ये अपने बच्चों एज ए केमिस्ट्री टीचर मैंने आपको बताया कि इन इन आप टॉपिक पे फोकस करो, क्लियर है। और बोलेंगे सर प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँ, तो बच्चों आपके पास जो भी मटेरियल है, अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो उसका आपको मटेरियल है, उसमें आपके जे एडवांस पैटर्न जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर डालो, आपके पास DPPs अवेलेबल है तो वो कर लो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लास्ट ईयर के पेपर होंगे तो उनको कर लो, बराबर है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। सर अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर पेपर कितने देने चाहिए, तो बोलेंगे पेपर सर अराउंड अगर 27 सितंबर को है तो अराउंड आपको 4 to 5 पेपर सफिशियंट है, जो मैक्सिमम इतने देने चाहिए, क्योंकि अपने 6 आवर भी तो बर्बाद होंगे एक दिन में अगर अपन पेपर देंगे तो, ज़्यादा ज़्यादा भी पेपर काम के नहीं है, क्योंकि उस टाइम में अपन यूटिलाइज करेंगे अपना जो रह गया थोड़ा बहुत, जो रिवाइज कर रहे हैं उसको बार बार वो पढ़ना भी तो है ना। और अगर किसी की एवरेज चल रहा है, मान लो कभी मैं सर क्या करूँ, या फिर कुछ की बहुत ही खतरनाक तैयारी है तो उसे पेपर पे काम करना चाहिए, और उसका अगर कोई मॉडरेट तैयारी है उसकी, उसको लगे सर भाई ठीक ठाक है मैं कर लूँगा शायद कर लूँगा, तो उसको थोड़े पेपर कम और उसे रीड ज़्यादा करना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? और रही बात बच्चों फिजिक्स और मैथ्स की, तो सेम कंसेप्ट है, अपने इंडिविजुअल टीचर से बात करूँ, फिजिक्स के अंदर भी ये चीज़ फिक्स होती है, इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं तो उनको अवॉइड भी कर सकते हो आप, आपको अवॉइड करना आना चाहिए। और सेम केस इन मैथमेटिक्स है ना, तो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा वो आप ही खुद आइडेंटिफाई करोगे, कभी ये सर मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे कि मान लो केमिस्ट्री में बात करें तो जैसे पैसेज आ गया, तो पैसेज आ गया तो मैं उस पैसेज को बच्चों रीड करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मान लो मैंने एक पैसेज आइसोमेरिज्म पे बनाया, लेट सपोज क्लियर है, तो मैं उस पैसेज में क्या लिखूंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमर विच आर डिफर इन अरेंजमेंट ऐसा वैसा वो, एंड यू कैन चेक ए डिफरेंट एटम ए डिफरेंट ग्रुप, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, द मॉलिक्यूल्स शुड बी प्लेनर, ये वो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन शो जी आई, तो बोले सर ये पैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आता है ना हमको, ये बात सही है, तो केमिस्ट्री के अंदर पैसेज पढ़ने की आपको बच्चों जरूरत नहीं होती है, तो नीचे वाले एक बार क्वेश्चन को देख लो बेचारा वो क्या पूछ रहा है आपसे, हो सकता है कि वो सब पैसेज वैसेज पढ़ने की जरूरत ना हो क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है, क्लियर है। फिजिक्स में पैसेज पढ़ना वो इसलिए जरूरी होता है कि हो सकता है कोई नए कॉन्स्टेंट का नाम आ जाए, विच आर नॉट गिवन इन इवन HCV इवन NCERT, तो फिर उस कॉन्स्टेंट के बारे में अपन को कौन बताएगा, तो वो पैसेज ही बताएगा। जे एडवांस में सबसे पहले क्या करोगे, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, तो बोलेंगे टाइम बच्चों आपके पास कभी कम नहीं पड़ेगा, ये मेरे आप लिख लो बात को, चाहे पेपर वन की बात हो चाहे पेपर टू की बात हो, आपके लिए टाइम इसलिए कम नहीं पड़ेगा क्योंकि जो 3 घंटे बनाया जाएगा 9 से 12 और 2 से 5 वो उसको मान के बनाया जाएगा जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाला है, और अपन तो पूरा करेंगे नहीं, अपन को करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का आइडिया है कि 35 to 40% सर कट ऑफ रहती है और पूरा मैं करूँगा ही नहीं, बात समझ में आई है बात, तो फिर उसके हिसाब से तो टाइम ही टाइम है। तो ज़्यादातर बच्चे गलती यही कर डालते हैं कि पहले क्या है बैठे रहते हैं, बैठे रहते जो आता है वो कर लेते हैं, बाद में क्या इधर उधर देखते हैं वो कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, वो भी कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, ये तो सब आगे निकल जाएंगे मुझसे, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो भी बैठे बैठे गोले 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 लास्ट में पता चलता है उन्हें माइनस में नंबर आ गया है ना। ऐसा कोई केस आपके साथ ना हो इसलिए आपको अटेम्प्ट तो बहुत ही कम करने हैं। सिंगल चॉइस है तो सिंगल चॉइस में बच्चों आपने पूरी ज़िंदगी वही की है तो उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इवन माइनस वन मार्किंग होती है लेकिन ट्राई तो करना ही अगर आता है तो। देन आपको पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस है वो पहले बैठ के पढ़ने, आप टाइम की चांस मत लेना कि टाइम कम पड़ जाएगा तो मैं मान लो 10 मिनट बैठ के पढ़ बैठा रहूँगा इतने में तो बच्चे क्वेश्चन कर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई बच्चा नहीं करेगा बच्चों, बराबर है, वो कोई इजी पेपर नहीं है, करेगा भी तो वो बहुत नुकसान में जाएगा, पढ़ो ऊपर बैठ के भाई कौन कौन से में माइनस मार्किंग है, मल्टीपल चॉइस में पार्शियल मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग है, या फिर वो छोड़ दूँ तो देखना पड़ेगा अपन को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों सबसे ज़्यादा ले डूबने वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता दूँ, देख लेना एक बार, अगर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है तो छोड़ देना अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पार्शियल मार्किंग है तो पार्शियल ही करना, अगर मान लो ABD उसका आंसर है और आपको AB के बारे में कॉन्फिडेंट है तो कोई बात नहीं है, पार्शियल नंबरिंग से काम चला लेंगे, कोई बात नहीं, पूरे में पूरे नाम नहीं, लेकिन वो डी के चक्कर में अगर गलत होता है तो वो डी कभी मत करना, बराबर है। सिंगल चॉइस करो, बाद में इंटीजर टाइप पे प्रैक्टिस करो, मैथमेटिक्स के अंदर आराम से शांति से क्वेश्चन करना, शांति से बिल्कुल, जल्दी मत करना बच्चों, टाइम बहुत पड़ा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि मुझे तो सर पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ बेटा बेटा, तो 10 आ रहे तो बच्चों 10 बहुत होते हैं, ठीक है ना, 10 हो गए ना तो दूसरा पेपर भी उसमें भी 10 हो गए ना, तो ऐसे करके 20-25 अगर क्वेश्चन कर दोगे तो कट ऑफ क्लियर कर लोगे आराम से बच्चों, ठीक है ना, और ये पूरा पेपर करने के चक्कर में कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, याद रखना ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले थर्ड नंबर पर क्या लिख सकते हो,
ये जो मैंने बातें लिख रही हूँ वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेना आप लोग, बराबर है। तो मैंने जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको एनालाइज करना चाहिए लास्ट पेपर को, है ना, तो क्या करोगे पेपर के बारे में? फर्स्ट रीड केयरफुली, केयरफुली द पेपर, पेपर को अच्छे से पढ़ लोगे, चलो पढ़ लिया। देन उसके बाद में क्या करोगे? फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से करोगे? सिंगल चॉइस हमेशा, फर्स्ट अटेम्प्ट टू सिंगल चॉइस क्वेश्चन। और वैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो केमिस्ट्री कर लेना, बेटर रहेगा ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और कोई के बेस्ट हैंड है तो उसमें वो कर सकते हो आप, क्लियर है। और याद रखना कभी भी ये हिडन ट्रायल वाला मेथड मत लगा देना बेटे बेटे, डोंट फॉलो हिडन ट्रायल मेथड। हिडन ट्रायल का मतलब क्या होता है? ये हो सकता है सर, ये भी तो हो सकता है, ये हो सकता है मेरे हिसाब से, वो तो शायद भी कर रहा है, ले भी कर दिया। अपना ही दिमाग यूज लेना है, दूसरों को देखना ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, क्लियर है, ओके। चलो और मटेरियल के रिगार्डिंग बताओ क्या क्या करोगे। तो उसके रिगार्डिंग सर अपन ये करेंगे कि जो भी है अपने पास उसको सॉल्व करूँगा बैठ के, मस्ती से सॉल्व करूँगा, बस एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन जब तक आपका 27 सितंबर को पेपर नहीं हो जाए, आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो 25 तक ख़त्म हो जानी चाहिए। 26 को आप फ्री रहो, ठीक है ना, इन्जॉय करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ फॉर्मूले देख रहे हो तो देख लो, ऐसे बिल्कुल नया तो कुछ करना ही नहीं है, नया तो बच्चों आज से नहीं करना है, बराबर है। आप कोई भी पेपर टेस्ट सीरीज़ अपनी जो स्कूल में चल रही है उसको दो, बाहर के भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉल कर सकते हैं विद्या दीस के अंदर, जो जेई एडवांस के जो पेपर्स है वो पेपर चल रहे हैं अपने, उसमें अपना एनालाइज करो कभी मैं कहाँ स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, जो भी गलती हो रही है वो गलती चेक करो, बराबर। इस टाइप से आप अपने आप को ब्रशअप कर सकते हो। और जब भी जेई एडवांस का पेपर देने जाओ तो बहुत शांति से जाना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो लंबा पेपर है, पहला पेपर जो होगा तो सुबह सुबह 9 बजे होगा, है ना, वो 12 बजे तक चलेगा, बाद में केवल 2 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद में 2 बजे से लेके बच्चों 5 बजे तक होगा, है ना। ये बात हमें भी बताई जाती है और मैं आपको भी बता दूँगा, सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही लाइट करके जाना, जैसे कि जूस वगैरह पी के जाना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर वहाँ पे क्या सुबह सुबह क्या लाओ बाकरी पूरी उसको बाकरी खाली, है ना, दाबेली खाली 5, ऐसे मत करना, क्या फिर बाद में चक्कर आने लग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपन को थोड़ी पता है सेंटर कैसा होगा, वहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ पे एसी रूम होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस केस में अपन को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, खुद की पानी की बोतल होनी चाहिए, है ना, इन्जॉय करना अच्छे से, फील लेके पेपर देना। और जब 12 बज जाए, जब आपका एक पेपर पूरा हो जाए तो लंच हार्ड मत करना, लंच का ऐसे नहीं कि बहुत ही खतरनाक लंच कर दिया सर आपने तो, ना रोटियों की तो लाइन नहीं लगा दी, ऐसा नहीं करना, बहुत ही सिंपल आपको खाना खाना है, फ्रूट्स अगर हो सके तो ट्राई करो, फ्रूट जूस के ऊपर ही रहो, है ना, स्लाइस वगैरह ये सब पीते रहो, आपकी एनर्जी पूरी हो जानी चाहिए, ग्लूकोन डी वगैरह पीते रहो, और 2 बजे वाला पेपर दे के आराम से 5 बजे बाद में आप चाहे कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, मौज करो बाद में, क्लियर है ये बात। और जैसे ही पेपर हो जाए, और पेपर में तो कम से कम आप ट्राई करना कि गलतियाँ कम से कम हो, है ना, सिलेक्शन आपका बच्चों IIT एडवांस में 100% हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो 2 साल की, उसके ऊपर हमें विद्या दीस को पूरा गर्व है, ऐसी बात नहीं है, तो आपका होगा, बस आपको क्या है थोड़ा सा उसको पॉलिश करना है कि जो मेरा नॉलेज है वो थोड़ा बाहर आ जाए, क्लियर है बच्चों। IIT को आप क्रैक कर दो तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये नहीं बोल सकते कि IIT इज़ द एंड अप ऑफ लाइफ का, आपकी बस ख़त्म हो गई अगर IIT अगर आपको नहीं मिली तो, लेकिन ये बात भी सही है कि इफ़ यू गेट ए IIT टैग देन देर इज़ नो नीड टू आइडेंटिफाई टू यू टूवर्ड्स टू अदर, मतलब आपको कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी मैं कौन हूँ, आप IIT का नाम ही बच्चों काफ़ी है, है ना। तो ट्राई करो कि मैं भी एक टैग पाऊँ, मेरे भी एक टैग लगे जो एक IIT के लगता है, क्लियर है बच्चों। क्या ये बात आपके लिए सफिशियंट रहेगी इतनी बातें, है ना, अभी से तैयारी पे लग जाओ, और एक एक मिनट बच्चों आपका कीमती है, तो सो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एडवांस T20, ओके, थैंक यू सो मच।